हेलो दोस्तों, एक्लेशिया एक्लेशिया बहुत रेयर डिजीज है। मतलब इसको डिस्फेजिया भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली डिजीज का नेम तो एक्लेशिया है, और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेनली वो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है कि खाना अटकने लगता है। और एक्लेशिया की मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, लेकिन जो कि ज्यादातर इंग्लिश में है। मैंने सोचा हिंदी में वीडियो बना देनी चाहिए, और क्योंकि और मैं तो भाई 13 13 साल से ज्यादा हो गया मेरे को बर्दाश्त करते हुए डिजीज को। अवेयरनेस अभी भी इस बीमारी की जरूरत है, इसकी अवेयरनेस करने की अभी भी जरूरत है कि अवेयर किया जाए लोगों को। और अब तक के 3 4 साल हुए हैं जब मैंने इसको बीमारी को जाना था। मुझे पता ही नहीं था पहले तो बचपन से कि ये बीमारी है क्या, मुझे इसी को बांध में रहा मैं। अभी 3 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि ये एक्लिशिया बीमारी है। जब मैंने थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल करके सर्च किया तब मुझे पता चला, पहले डिस्फेजिया आया निकल कर। मैं सोचा शायद अभी भी कुछ है। फिर मैंने और सर्च किया तो एक वो सजेशन आता रहता है ना यूट्यूब और गूगल में, तो उसमें एक्लेशिया निकल कर आया। बट फिर मैंने उसको उसके वो चीज़ देखी। मैंने सोचा यार ये तो बिल्कुल सिम्टम मिल रहे हैं, तब उसका डायग्नोसमेंट देखा, फिर निकल कर आया तो प्रूफ हो गया कि वो एक्लेशिया है। एक्लेशिया में क्या होता है कि ये जो खाने की नली है ये हमारे अलग से पेट तक जाके मिल रही है। और इस नली खाने की नली में क्या होता है कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे और इसके एंड पॉइंट पे दो दरवाजे टाइप के होते हैं। मतलब मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आसान, जिसको साइंस जिसने साइंस भी ना पढ़ी हो, जिसको इंग्लिश भी ना आती हो, तो बिल्कुल आम लैंग्वेज में हिंदी में बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये एक पाइप है, जैसे प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, तो उसका एक एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड वाला पॉइंट जहाँ पे खत्म होता है वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे दो ऐसे समझ लिए दो दरवाजे होते हैं। दरवाजे जिन्हें हम इंग्लिश में स्पिंक्टर कहते हैं, स्पिंक्टर, अपर स्पिंक्टर और लोअर स्पिंक्टर ऐसा बोलते हैं। तो वो जो दरवाजे होते हैं उनका काम यह है कि कुदरती उनका काम यह है कि मतलब नेचुरली कि जब खान वो ऑटोमेटिकली तो वैसे तो बंद रहते हैं नॉर्मली, दोनों ऊपर का और नीचे का दोनों दरवाजे बंद रहते हैं हमेशा, सबके बंद रहते हैं। लेकिन उनका काम यह है कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही खाना आता है ना तो वैसे ही वो खुल जाते हैं, और जैसे ही खाना वहां से पास हो जाता है वैसे ही बंद हो जाते हैं। और उसके बंद होते हैं और खुलने हैं इसकी वजह भी, ऐसी वजह ये है कि अब जैसे वो ऊपर वाला तो इसलिए है कि जैसे हवा हवा कोई और चीज ना जाए, खाने के अलावा कुछ जाए ना अंदर ये। और नीचे वाले जो दरवाजे हैं वो इसलिए बंद रहते हैं कि अंदर जो स्टमक में एसिड होता है, तेजाब, तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है उसका, वो जो होता है वो ऊपर ना छलके, क्योंकि वो अगर ऊपर छलक गया तो तेजाब का काम तो भाई जलाना होता है। तो हमारी जो खाने की जो नली है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं नॉर्मली, वो सहन नहीं कर सकती तेजाब की जलन, इसलिए दरवाजे बना दिए भगवान ने, तो वो बंद ही रहते हैं। तो एक्लेशिया में क्या होता है कि इस जो नीचे वाला दरवाजा है ना इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये बंद रहते हैं। भाई मेरे के इसमें तो ऐसा था कि बंद ही रहते थे, खाना आ रहा है इकट्ठा होता चला रहा है खाना, और वो बंद के बंद ही है, खुल ही नहीं रहे, और खाना इकट्ठा होता चला जा रहा है। और एक्लेशिया में अब देखो कंडीशन भी अलग अलग होती है हर किसी की। मेरी कंडीशन ये थी एक्लेशिया में, है अभी भी है, ये है कि खाना इकट्ठा हो गया, लेकिन मेरे पास एक अच्छी चॉइस थी कि जब खाना मेरा यहाँ तक पहुंच जाता था, मतलब यहाँ से लेकर जमा हो जाया करता था यहाँ तक, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाया करती थी। फिर मेरे 2 3 ऑप्शन थे, मेरे पास 2 ऑप्शन थे मेरे पास, जब खाना यहाँ तक इकट्ठा हो गया तो मेरा सांस फूलने लगता था, तो मैं क्या करता था, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं वॉमिटिंग कर दूं। अच्छा, वॉमिटिंग करना मेरे लिए आसान था, वाली वॉमिट जो वॉमिटिंग होती है असल में पेट में से होती है, पेट से खाना डाइजेस्टेड फूड वापस आता है, और तकलीफ होती है लोगों को, आंसू निकल आते हैं, वो इसलिए आंसू निकल आते हैं क्योंकि जो दरवाजे बंद नहीं होते हैं और उसके प्रेशर से वो दरवाजों को जबरदस्ती खोल के खाना बाहर आता है, तो इंसान को बड़ी प्रॉब्लम होती है वॉमिटिंग में। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के दरवाजों को भी खोलेगा उल्टा, और यहाँ ऊपर वाले दरवाजे को भी खोलेगा जो मैंने बताया कि फूड पाइप में होते हैं। इस वजह से उल्टी करने में बड़ी मशक्कत, बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, आंसू निकल आते हैं, रोने लगते हैं, उल्टी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरा वाला किस्सा है नहीं, मेरा तो खाना अंदर ही नहीं गया, बाहर का बाहर है, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, दरवाजे ने अंदर जाने कब दिया, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जरा सा जोर लगाता था तो मेरा जो खाना इकट्ठा हुआ है वो फटाक से बाहर, ये एक ऑप्शन था तो मैं उल्टी कर लेता था। और दूसरा ऑप्शन था कि मैं पानी पे डिपेंडेंट था, अगर मुझे पानी मिल गया ना नॉर्मल वाटर तो मैं उसको जबरदस्ती पीता था, और जाता नहीं था अंदर, लेकिन उसको जोर लगाता था, और ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था, फिर
जोर लगाता था तो वो पानी क्या करता था, फोर्स से वो इंस्पेक्टर खुल जाया करते थे, फोर्स से तो उसको फोर्स लगता था, इंस्पेक्टर खुल जाया करते थे, और जैसे ही खुले फटक से पटक से अंदर खाना अंदर से रहा करता, लेकिन यह कि पूरा नहीं जाता था, और फिर वो पानी में पी लेता था तो बकायदा कीचड़ बन के जाता था, उस वजह से मेरी हेल्थ वेल्थ नहीं बन पा रही थी, बिल्कुल मेरा वजन घटता चला जा रहा था, 50 पे आके रुक गया और 48 किलो हो गया था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, वही स्पिंक्टर की प्रॉब्लम है मेन एक्लेशिया। अब ये इस पे रिसर्च ही चल रही है कि वो स्पिंक्टर काम क्यों नहीं करते हैं। और ज्यादातर डॉक्टर्स और इन लोगों का कहना है, स्पेशलिस्ट का, कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ऑटो इम्यून डिजीज में मतलब, ऑटो इम्यून डिजीज से मतलब उनका ये है कि ऑटो से ऑटोमेटिक इम्यून, इम्यून का मतलब है कि मतलब वो पावर हमारी बॉडी की, वो पावर जो नेचुरल होती है, जो दीगर बीमारियों से लड़ती है ऑटोमेटिकली बिना बिना दवाइयों के, जो जैसे हमारा बुखार हुआ ऑटोमेटिकली सही हो गया, कहीं पेन हुआ ऑटोमेटिकली सही हो गया, वो हमारे इम्यून सिस्टम करता है, कहीं चोट लगी ऑटोमेटिकली जख्म भर गया, तो वो इम्यून सिस्टम ही होता है जो ये सारा काम बिना दवाई के कर लेता है। तो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है वो वाला डिजीज, तो ये इस टाइप का ही है कुछ, हमारे जो अंदर की स्पिंक्टर की सेल्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने तो इतना ही पढ़ा है, लफ्जों से भी यही लग रहा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, और अभी ये बिल्कुल क्लियरिफाई नहीं हुआ है, अभी भी रिसर्च चली रही है, तो जब इसकी सही वजह नहीं पता चली, प्रूफ नहीं पता चला, तो इलाज कहाँ से आएगा। हाँ लेकिन ये है कि टेम्परेरी इसके इलाज हैं, जैसे सर्जरी है, मेन तो सर्जरी है, बाकी वो बोटॉक्स इंजेक्शन है, और इसके अलावा एक वो बलून डायलेशन है, ये सही नहीं है वैसे। मेन जो है इसका मैं तो सर्जरी मानूंगा, सर्जरी। अब सर्जरी भी दो टाइप की है, एक एच एफ हेलमायोटमी और एक पोएम है पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, और एक्लेशिया पे भी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। अभी मैंने आपको एक्लेशिया का ओवरव्यू समझाया बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी में, और मैं और वीडियोस पर इंशाल्लाह अब डालूंगा, पोस्ट करता रहूंगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब मैं इतना बड़ा, मैंने आधी लाइफ मेरी इसमें निकल गई है, और अभी भी ये तो उम्र भर रहता है, कुछ नहीं पता कब आए इसका सही इलाज, वैसे मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है दुनिया में, हो सकता है कि आ जाए आने वाले, लेकिन बहरहाल इसका अवेयरनेस जरूरी है, तो मैं इसके अवेयरनेस के लिए और वीडियोस डालूंगा इसी चैनल पर। आप इसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल, और मैं इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बहुत सारे सवाल हैं अखिलेशों को लेके, कि अब जैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो क्यों होती है, या कौन सी सर्जरी कराएं, डॉक्टर नहीं बताते कि एचएम कराना सही रहेगा या पोएम करानी सही रहेगी, और कैसे डिसाइड करें, और कहाँ से हमें और नॉलेज मिलेगी, कैसे पढ़ें, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, और अगर आप इंडिया से हैं तो एम्स में कैसे जाएं, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, क्या गाइडलाइंस है, मैंने क्या क्या दिक्कतें झेली हैं, मेरा इलाज हो गया, मेरी सर्जरी हो गई है, एचएम कराया मैंने, और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है, क्या क्या ट्रिक्स मैंने आजमाई, क्या मैंने सीखा, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, सर्जरी कराने में भी, डिसीजन लेने में भी, मदद लेने में भी, सजेशन लेने में भी, टेस्ट के बारे में, बहुत सारे डायग्नोसमेंट है, बहुत सारे टेस्ट हैं, सबके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर डालता रहूंगा, पोस्ट करता रहूंगा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इंडिया के, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी वीडियोस मुझे बना बना कर दें, और मैं अच्छा कंटेंट इस पे उनकी वीडियोस भी डालूंगा, उनके एक्सपीरियंसेस भी डालूंगा। और अगर जैसे आप भी अगर चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप ईमेल है अबाउट सेक्शन में, आप उस ईमेल पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे वीडियो बनाकर भेजिएगा, मैं उसको एडिट वगैरह करके अच्छे से उसको इस चैनल पर डालूंगा, अवेयरनेस मिलके करते हैं साथ में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ जाए, मिस ना हो, ठीक है। और कोई कमेंट हो, आपके कोई रिक्वेस्ट हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं पक्का जवाब दूंगा। मैंने चैनल बनाया है इसलिए, ताकि मैं अवेयरनेस कर सकूँ और लोगों की मदद कर सकूँ, मुझे खुशी होगी। थैंक यू।